कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त आरपी दुबे के मार्गदर्शन में सहायक जिला आबकारी अधिकारी राघवेंद्र सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में जिले में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई। देवास के भवानी सागर, होटला दास साहब एवं जवाहर नगर में कार्रवाई की गई, जिसमें 3 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कायम किए गए, जिसमें 2 बियर, 4 पाव विदेशी मदिरा एवं 143 पाव देशी मदिरा प्लेन के जब्त किए गए, जिसका बाजारी मूल्य 12,000 रुपए है। वहीं सोनगंज के ग्राम औड़ में तालाब के पास जंगल में अलग अलग स्थानों में कार्रवाई की गई। कार्रवाई में एक चलित हाथ भट्टी एवं 40 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची मदिरा एवं लगभग 2300 लीटर महुना लहान जब्त कर नष्ट किया गया। जब्त समस्त सामग्री की कीमत 1,23,000 रुपए है। कार्रवाई में कुल 4 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी धारा 34 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। आज की कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक सुश्री राजकुमारी मंडलोई, निधि शर्मा, डीपी सिंह, प्रेम यादव एवं आबकारी मुख्य आरक्षण विष्णु प्रसाद राजाराम रेखवार सम्मिलित थे। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।